हेलो गाइस, आई बी सेट रिजल्ट इज़ आउट, दिस वाज अ क्विकेस्ट वन यार। इतना जल्दी रिजल्ट देना अच्छी बात है। सो फाइनली दोज़ यू गॉट अ कॉल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। द ओनली प्रॉब्लम इज ऑल ऑफ यू हैव टू गो टू हैदराबाद फॉर फिजिकली फॉर द इंटरव्यू। ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं इस बार, फॉर फिजिकल इंटरव्यू। एंड आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक द वीडियो ऑन व्हाट आर द कॉलेजेस इन आई बी सेट एंड लेट्स डिस्कस दोज कॉलेजेस के वेदर इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, क्या इनका पैकेज, एवरेज पैकेज और क्या है। तो नाउ ऑल थिंग इज़ बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू स्किल्स। इंटरव्यू के मार्क्स के ऊपर आपको कॉलेज एलोकेट होगा, तो प्लीज़ वर्क हार्ड फॉर द इंटरव्यू स्किल्स। इंटरव्यू स्किल्स का प्रोग्राम हमारा लॉन्च हो गया, तो इनके ऐसे वॉन्ट टू जॉइन, यू कैन जॉइन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें लिंक डाल दिया मैंने। एंड इज अ व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल फॉर आई बी सेट स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट विद द जी डी पी प्रिपरेशन नाउ फॉर आई बी सेट। Hello guys, today we look at the IBSET exam, whether I should give IBSET exam or not. So we have created a dedicated website for that, so IBSETKing.com. यहाँ पे आपको actual papers, यहाँ पे हर college के बारे में detailed, you can find out all the information all over on our site, IBSETKing.com. So there are 9 campuses here. कौन सा campus अच्छा है, कौन सा campus का average placement कितना है, we need to check out all these things. So we'll go through that. First of all, today is the last day, 16th of December. Is the last day to apply for the IBSET exam. And trust me, this is one of the exam which can act as a very good backup option in case you have not delved in the CAT exam, in case thoda damadol ho raha hai ki baki mein kya hoga, kya nahi hoga. And 24 December is the exam online. So online exam ghar pe baith ke wo dena hai. First week of January uska result aa jayega, second week of January mein uska selection briefing ho jayega, aapko calls aa jayengi. And then Feb March mein aapka GDP rahega. This is a complete प्रोसेस फ्रॉम द IBSET. तो एज ऑफ नाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ इस 16th को लास्ट डेट अप्लाई करने का एंड 23rd-24th को एग्जाम है. तो मुझे पहले पता करना कि वेदर आई शुड अप्लाई इट फॉर नॉट. सो एग्जाम का पैटर्न पहले कैसा है देख लेते हैं एक बार. वर्बलेबिलिटी 50 क्वेश्चन, सो वोकैब, ग्रामर, ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू बी टेस्टेड. सो लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज वेरी सिमिलर टू द CET एग्जाम विद नो नेगेटिव मार्किंग, ओनली पॉजिटिव मार्किंग, दैट्स अ मेन एडवांटेज. सो द टिपिकल CET का पेपर, 2 घंटे का पेपर. CET में 200 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे 140 क्वेश्चन है. CET में 2.5 आवर्स है, यहाँ पे 2 आवर्स है. सो ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पर सेक्शन वाइज. RC का देता सेक्शन फॉर 30 मार्क्स, क्वांट 30 क्वेश्चन एंड DI DS 30 क्वेश्चन. सो आई बीन अपलोडिंग मेनी वीडियोज रिगार्डिंग IBSET बिकॉज एग्जाम इज नॉट वेरी टफ, तो आराम से स्कोर किया जा सकता है. किसका वर्बल वीक है, तो इन दोनों पे फोकस करके आई कैन क्लियर द कट ऑफ एंड आई कैन ऑल्सो यूज द जी स्ट्रैटेजी. बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बिंदास जी स्ट्रैटेजी मार के 140 का 140 अटेम्प्ट करके आना बिंदास. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी एग्जाम. और किसी अगर मैथ्स एंड DI स्ट्रॉन्ग है, तो वी कैन फोकस मोर ऑन हेयर और यहां पे हम जा तुक्के मार सकते हैं. दिस इज नो सेक्शन कट ऑफ, आप बिंदास परफॉर्म कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं यहाँ पे. और पेपर इज नॉट वेरी डिफ, नॉट टफ एट ऑल, दिस इज इजियर, एटलीस्ट कैट से तो इजी इजी है यार. अब आ गया कि फीस स्ट्रक्चर क्या है हर कॉलेज का, एंड देन वी लुक एट द एवरेज प्लेसमेंट एज वेल. सो पहले प्लेसमेंट देख लेते, देन वी कम टू द दिस थिंग. सो 2023 में 97% ऑफ द बैच इज प्लेस्ड. सो दिस इज वन थिंग दे आर बीन, चलो ट्रांसपेरेंसी है कि कितनों को जॉब मिला है. एवरेज पैकेज इज 10.42 लैक्स, नेशनल हाइएस्ट इज 21 लैक्स एंड इंटरनेशनल हाइएस्ट इज 58 लैक्स. एवरेज ऑफ द टॉप 10% बैच इज 17, एवरेज ऑफ टॉप 25% बैच is 13.14 lakhs. So if I look at, if I am the top 25% of the batch, then I am getting a placement which is at par with the baby IIMs. If I look at that way, but तुम्हें अच्छा score करना पड़ेगा. ये अपना main sheet देखने के लिए. So Ahmedabad campus average 7.3, Bangalore campus 7.42, Gurgaon campus 7.5, Hyderabad campus 10.42. So those who are looking for ranking, तो highest package is at हैदराबाद, 95% ऑफ द बैच हैव गॉट प्लेस्ड. ओके, देन कोलकाता 7, मुंबई 8 एंड देन जयपुर. मुंबई 98% प्लेसमेंट, जयपुर 99% प्लेसमेंट, एवरेज 8.53. सो इफ आई लुक एट द रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सो आई विल गिव हैदराबाद एज रैंक 1, मुंबई ऑब्वियसली एज रैंक 2 बिकॉज ऑफ लोकेशन एडवांटेज एंड जयपुर एज अ रैंक 3, द टॉप 3 इन केस यू आर लुकिंग फॉर. बट अदरवाइज सबका सेम है यार, बाकी सब 7.5 के आजू बाजू सबका प्लेसमेंट इज ऑलमोस्ट सेम. देर आर स्कॉलरशिप एज वेल इफ यू परफॉर्म वेल इन द IBSET एग्जाम. इनफैक्ट मेरे को, मैंने खुद IBSET दिया था, आई वॉज रैंक 10th इन IBSET व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम. यार मैंने सारे एग्जाम दिए थे यार, मैं लाइन में सारे एग्जाम दिए थे.
इंक्लूडिंग आई बी सेट एज वेल. सो आई गॉट अ स्कॉलरशिप एज वेल दैट टाइम. पर तब तक बाकी का सबका रिजल्ट आना शुरू हो गया. तो आई डिड वेल इन द कैट एग्जाम एज वेल. आई विल यार मेरे को स्टेमिनिंग का इशू था. मैंने सब फॉर्म अप्लाई किया था. आई जस्ट फिल्ड आउट एवरी फॉर्म. जॉब करता था मैं. बोले भैया अभी पैसा रुकने का नहीं है. जो जिस जिसने मांगा सबको दिया. हर एग्जाम वाले को दिया मैंने. ठीक है काइंड ऑफ थिंग. हर फॉर्म भरा मैंने. सो दिस इज अ एमबीए प्रोग्राम इन हैदराबाद बैंगलोर देहरादून जयपुर. दिस इज पीजीपीएम प्रोग्राम इन मुंबई पुणे गुड़गांव अहमदाबाद कोलकाता. एंड पीएचडी इज ऑल्सो अवेलेबल इन हैदराबाद एंड बैंगलोर कैंपस. दिस इज द कंपनी कमिंग ऑन कैंपस. नाउ इफ आई लुक एट द फीस स्ट्रक्चर. हैदराबाद का फीस आईबीएस हैदराबाद का फीस इज 16 लाख. बेंगलोर का फीस इज 12 लाख. मुंबई सबका फीस इज 9 लाख. एंड देहरादून जयपुर का फीस इज 6 लाख. सो नाउ यू टेक अ इन्फॉर्म्ड कॉल वेदर यू शुड अप्लाई और नॉट. मैंने आपको पूरा इसका स्टैटिस्टिक्स दे दिया है. ठीक है. तो 16 इज द लास्ट डे टू अप्लाई एंड ऑल द पेपर क्वेश्चन पेपर एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन ibcetking.com. ऑल द बेस्ट.